अरे हम लोग लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मारेंगे, कटेंगे, गोली खाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है? सुप्रीम कोर्ट हमारे से है, मोदी हमारे से है। जो भी संसद विधान भवन में पहुंचा, हम लोगों के बदौलत पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, उसी के खिलाफ में हम लोग आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर ताकत है तो हमें जो है जितना भी देश में आदिवासी हैं सबको कतार में खड़ा करके तोप से उड़वा दे। नाम रणजीत खरवार आदिवासी है। मैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि हमारे देश में जो है जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, सवर्णों की राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जब चुनाव का टाइम आता है तो दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों की बात करते हैं, और जब शासन सत्ता में आ जाते हैं तो हमें ही जो है दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों को नक्सली और आतंकवादी कहकर वार करते हैं। क्या माओवादी, उग्रवादी या आतंकवादी घोषित करके हमारा सफाया करना चाहती है? अगर करना चाहती है तो बिल्कुल सरेआम बोलिए ना, तो मुकाबला करने के लिए हम भी तैयार हैं। और हम जाए कहाँ, हमें हमेशा विस्थापित किया गया है। कभी हमें विकास के नाम पे कभी विस्थापित किया है, कभी हमें स्टेचू के नाम पे विस्थापित किया है, कभी डैम के नाम पे विस्थापित किया है। जो आदिवासियों को भूमि का अधिकार जो मिला हुआ था, जो जल जंगल जमीन के साथ जहाँ रह रहे हैं, स्थायी निवासों के साथ जो रह रहे हैं, सरकार ने फरमान सुनाया 13 फरवरी अभी 2019 में कि 21 राज्यों के लगभग 1.5 करोड़ आदिवासियों को बेदखल किया जाएगा, क्योंकि उनके पास उनके कानूनी पट्टे या कागजात नहीं मिले हैं। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, जब वो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको कोई कानूनी सुविधाएं या शिक्षा की व्यवस्था कोई नहीं दी गई है या उनको कोई कानूनी कागजात नहीं दिए गए, तो वो सबूत कहाँ से मांगती है? ये खुले आसमान के तले आग जला करके हम लोग बैठे हैं। ये देखिए यहाँ पर हम बैठे हैं, जिसमें कि मेरी एक गाय तुरंत मर गई। जेसीबी इतनी बुरी चलाई उन्होंने, एक गाय तुरंत मर गई। एक गाय लंगड़ी है अभी भी, उस पर इतना पैसा लगाता परेशान हूँ और पन्नी लगा करके उनको बैठा हुआ हूँ सर, और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। डीएम कहता है कि ये यहाँ रहते ही नहीं है। आज मैं सारे प्रूफ लेकर के सर यहाँ दिल्ली पहुँचा हुआ हूँ। हमें किस दिशा में लेके जा रही है? एक तरफ तो खुद सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं कि अगर आदिवासियों की बेदखली होती है तो ये नक्सली बनते हैं या उग्रवाद की तरफ या आतंकवाद की तरफ चले जाते हैं, और फिर उसी तरफ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही हमें फरमान सुनाते हैं कि 21 राज्यों के 1.5 करोड़ आदिवासी बेदखल किए जाएंगे। ये कानून की जो दोहरी मंशा है या ये जो काले कानून है या जो साजिशें हैं सत्ता के मठाधीश या प्रधान सेवक की और पूंजीपतियों की, जो अंबानी है, अडानी है या डालमिया है, इनकी शय में या इनके पैसों के दबाव में सरकार आदिवासियों के जल जंगल जमीन में जो अपार भंडार है, जो खजाने हैं प्राकृतिक संसाधनों के, उनकी लूट मचाने के लिए आदिवासियों पर कानून का जो फरमान जारी किया है ताकि बंदूक और लाठी से उनको हाँका जाए और उनको वहाँ से खदेड़ा जाए और उनका सफाया करके सारी संपदा को लूटा जाए। इस टाइम पे जंगल जो खाली कराए गए हैं, इसका मेन मकसद क्या है? क्योंकि इतनी सदियों से तो जंगलों को कोई नुकसान हुआ नहीं ना, तो फिर अब क्यों खाली कराया जा रहे हैं? तो इसका मेन ये है कि वहाँ जो कॉरपोरेट घराने हैं वो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, इसके अंदर जो अनमोल रत्न हैं, अनमोल चीज़ें हैं उसको वो लेना चाहते हैं, और उसके बदले में बैकडोर से हमें ये बेदखल किया गया है। जिस प्रकार ये जो पूंजीपतिवाद है, ये जो ब्राह्मणवाद है, और ये जो उद्योगपति कुछ अदाणी, अंबानी, ताता जैसे लोग, और जिनके इशारों पर कुछ एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस दाखिल की और उसके हिसाब से आदिवासियों को जो बाहर निकलने का जो काम किया है, इसके खिलाफ आज आदिवासी ये मोर्चा निकाल कर जा रहा है। और अगर हम माने कि मिनिमम एक परिवार में 5 लोग भी हैं, तो आप लगा लो 24 लाख लोग परिवारों का हिसाब से 5 लोग, कम से कम 1.2 करोड़ आदिवासी लोगों के हितों की बातें हैं, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक जजमेंट दिया कि बेदखल कर दो। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि 1 करोड़ आदिवासी लोग जाएंगे कहाँ और ये क्यों जाएं।
आखिर सदियों से इनके पूर्वज हमारे पूर्वज हमारे पुरखे जो इन जंगलों में रहते आए हैं, हमारी पीढ़ियां यहां गुजर गई। अब आप बोलते हो कि हम यहां से निकल जाएं, तो क्यों निकल जाएं यहां से? हमारे पुरखों ने इसे सीजा है, और जिन एनजीओ ने इस पे पिटीशन लगाई थी, जिन्होंने बोला कि आदिवासियों की वजह से जंगलों को खतरा है, तो मैं उन एनजीओ से पूछना चाहता हूँ कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी, जब आदिवासी आज या कल से यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, बहुत ही सदियों से यहाँ रह रहे हैं, तो उससे खतरा होता तो आज जंगल ही साफ हो जाते। तो हम आज़ादी के 70 साल का मतलब जश्न मना चुके हैं, लेकिन क्या आदिवासियों के लिए वो आज़ादी आज भी नसीब नहीं हो पाई है? ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि हमारी सरकार मनुवाद के अनुसार चल रही है, जहां संघ अपना कार्य कर रहा है, आरएसएस अपनी साजिशें शामिल कर रहा है, और वो सिर्फ एक ही कौम को बढ़ावा दे रहे हैं। वो जब से ये सरकार आई है, आदिवासी दलित और ओबीसी सबको शिकार बनाती हुई आई है, कभी गाय के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी भावनाओं के नाम पर सामूहिक जन नरसंहार हुआ है। मॉब लिंचिंग कभी सुना नहीं था, लेकिन अब सरेआम मॉब लिंचिंग होती है, उनके वीडियो आए जाते हैं, लोग खुद सरेआम बताते हैं कि हमने मारा, ऐसे मारा, सब कुछ रहता है मीडिया पर, लेकिन कभी कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। पकड़ा गया तो वो तुरंत रिहा कर दिया गया, और उनकी कोई खोजखबर नहीं लेती है सरकार। जब सरेआम ऐसी होगा तो फिर ये समाज किस दिशा में जाएगा?